ने जिंदगी से एक ही सबक सीखा है। जिंदगी हमें जिस रास्ते पर ले जाए वही हमारी मंजिल होती है। तुम खुद को जबरदस्ती उस रास्ते पर लेकर जा रहे हो जहाँ तुम्हारी मंजिल ही नहीं है। मैंने जब भी कहा था कि कोमा की मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं और फारिज जिस कोमा की कंडीशन में है कि पेशेंट कोई बात सुन के आंख झपक दे या हाथ हिला दे, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो कोमा की कंडीशन से बाहर आ चुके हैं। इसमें परेशानी क्या है? शादी के लिए पैसे चाहिए? क्या क्या बात कर रहे हैं? आप जानते हैं मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, आपसे शादी। एक मिनट, मैंने तुमसे कब ऐसा वादा किया? तुमने खुद ही अपनी तरफ से सोच लिया?